हेलो एंड वेलकम एवरीवन। रात के 9 बज गए हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज का जो हमारा सेशन है, जैसा कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था, ये रिलेटेड टू केसीसी है। केसीसी इज किसान क्रेडिट कार्ड, जो हमारे किसानों को क्या देता है, ऋण देता है, लोन देता है। लेकिन उस लोन को लेने के बाद किसान को लोन तो चुकाना ही पड़ता है, लेकिन उस लोन के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी जुड़ जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, इंटरेस्ट कहा जाता है, ब्याज आप हिंदी में कह सकते हैं। लेकिन इंटरेस्ट जितना लिया जाता था 2006-07 से पहले, मैं 2006-07 की क्यों बात कर रहा हूं, बिकॉज आज जो स्कीम पढ़ने वाले हैं स्टार्ट होती है खरीफ 2006-07 से। इंटरेस्ट रेट में कमी की गई। इंटरेस्ट का मतलब ब्याज हो गया, सबवेंशन का मतलब होता है छूट कर देना, डिस्काउंट कर देना, कमी कर देना, एंड स्कीम का मतलब सारे लोग जानते ही हैं। तो ये वो स्कीम है जो किसानों के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन लेके आ रही है, मतलब क्या करेगी, उनके लिए जो लोन पे इंटरेस्ट रेट है उसको कम करेगी। स्टार्ट आपको मैंने बताया कब हुई है, खरीफ 2006-07 में। अच्छा, ये स्कीम है क्या, आराम से समझिएगा, इंपॉर्टेंट स्कीम है आपके लिए, बिकॉज इससे दो क्वेश्चन आए हुए हैं, वो क्वेश्चन लास्ट में दिखाऊंगा। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम क्या, देखो सीधा सा पहले बेसिक सा समझा देता हूं, फिर आगे दिखा दूंगा जो पीपीटी के अंदर लिखा हुआ है। बेसिक सा तो बात इतनी सी है कि जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है ना, ये 2006-07 में स्टार्ट हुई। इससे पहले जो था वो इंटरेस्ट लिया जाता था लोन पे कितना, 9% का, 9% का जो ब्याज दर था वो लिया जाता था। इस स्कीम के आने बोला है कि 2% की छूट दी जाएगी, तो 9% में से 2% की छूट दे दी, मतलब कितना परसेंट आपको देना पड़ेगा, अब जो इंटरेस्ट रेट हो जाएगा वो 7% हो जाएगा। लेकिन उसमें ना 4-5 साल पहले और चेंज किया गया, वो क्या चेंज किया वो बताता हूं। लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है, स्टार्ट हुई थी 2006-07 में, 2% की छूट दी थी, 9 में से 2% की छूट दे दी, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 7%। लेकिन बाद में आके गवर्नमेंट ने क्या कहा, बाद में आके गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप 3 लाख तक का लोन लेते हो, हाँ उससे ज्यादा भी आप ले सकते हो केसीसी के अंडर में, लेकिन एक अतिरिक्त बेनिफिट है, एक्स्ट्रा बेनिफिट है इसके बाद भी, वो अगर लेना है ना, तो 3 लाख तक का लोन अगर आपने लिया और उसको रीपे कर दिया 1 साल के अंदर अंदर, 3 लाख तक का लोन 1 साल में अगर दे दिया, तो गवर्नमेंट बोली हम आपको 3% की अतिरिक्त छूट देंगे। 2% की तो मिल रखी है, 3% की अतिरिक्त मिल गई, 7 में से 3 निकल गया, तो गवर्नमेंट बोली अब आपको कितना देना पड़ेगा, सिर्फ 4% ही देना पड़ेगा। लेकिन ये जो अतिरिक्त 3% की छूट मिल रही है ना, इसके लिए 2 कंडीशन है कि लोन जो 3 लाख तक का होना चाहिए, जबकि टाइम जो है 12 महीने का, 12 महीने से ऊपर गया या 3 लाख से अमाउंट ऊपर हो गया, तो फिर आपको ये अतिरिक्त वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आप सबवेंशन स्कीम को समझ पाए क्या है, इसको पढ़ते हैं और डिटेल में आपको समझाते हैं कैसे काम करती है। द इंटरेस्ट सबवेंशन विल बी गिवन टू पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबी ऑन यूज ऑफ ओन फंड, अपने ही पैसे का उपयोग करके ये किसानों को या फिर जो केसीसी के अंडर में लोन है वो देंगे, और उस पे सबवेंशन भी देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो क्या है, वो आपका क्या है, बोला ओन फंड यूज करेंगे, उसके बोला गया कौन, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स टू ऑन यूज ऑफ ओन फंड एंड नाबार्ड फॉर रीफाइनेंस टू आरआरबी एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। आरआरबी और कोऑपरेटिव बैंक्स वाले केस में जो रीफाइनेंसिंग और जो पैसे के अंदर हेल्प है वो नाबार्ड भी करेगा, लेकिन उसके ऊपर जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इनकी हेल्प नाबार्ड नहीं करेगा, ये अपने पैसे से ही काम चलाएंगे, अपने पैसे से ही लोन देंगे। अब बोलेंगे सर लोन क्यों देंगे, हो सकता है उनके पास पैसा हो ही ना, या फिर वो कम इंटरेस्ट रेट पे देना ना चाहे, क्योंकि अगर आप 4% जो पढ़ रहे हैं, आप भी समझते हैं कि 4% का इंटरेस्ट रेट काफी कम है, तो लॉजिकल सी बात है प्राइवेट बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक, ये जब इनके पास ऑप्शन है 10% 12% में लोन दिया जा सकता है, तो फिर 4% में क्यों दे, तो ये नहीं देना चाहेंगे। लेकिन आरबीआई की गाइडलाइंस है, आरबीआई गाइडलाइन कहती है कि आप जितना लोन दोगे, ए एन बी सी जिसे कहा जाता है टेक्निकल टर्म में, फिलहाल इसे मत समझो, बस ये समझो कि बैंक जितना लोन देगा, समझने के लिए बोलते हैं कि अगर बैंक ने लोन दिया कितने का, 100 करोड़ का, ठीक बात है, 100 करोड़ का लोन दिया, तो आरबीआई कहता है कि इस 100 करोड़ में से 40%, यानी कि जो 40 करोड़ है ना, वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को जाना चाहिए। अभी प्रायोरिटी सेक्टर क्या है,
भाई देखो सेक्टर अलग अलग है ना, जैसे एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, या फिर आपका डिफेंस सेक्टर हो सकता है, फूड सेक्टर हो सकता है, एमएसएमई हो सकता है, ऐसे अलग अलग सेक्टर है। तो आरबीआई ने कहा कुछ ऐसे सेक्टर है जिनको तुम प्रायोरिटी पे लेके चलोगे, इनको तो देना ही देना है। तो 40% लिमिट बना दी कि 40% जितना लोन दोगे उसका 40% जो है ना वो प्रायोरिटी सेक्टर को जाएगा। प्रायोरिटी सेक्टर में अगर नहीं जानते हैं तो अभी तो आईएसएस चल रहा है, मैं इसे अगली स्कीम के अंदर बता सकता हूं, बिकॉज प्रायोरिटी सेक्टर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग उठा के देखना पेपर, क्वेश्चन आए हुए कहेंगे तो अगली वीडियो के अंदर उसे पढ़ा देंगे। तो प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर कौन आता है, 40% देना पड़ेगा। प्रायोरिटी सेक्टर में एमएसएमई आता है, एग्रीकल्चर आता है, एजुकेशन आता है, ऐसे 7-8 कैटेगरी है, वो बढ़ा दूंगा आपको। एग्रीकल्चर में जो है गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने बोला कि इस 40% में जो 18% है ना, वो 18% पैसा किसको जाएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर को। और उस 18% में भी 10% जो है वो जाएगा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को। तो बैंक अगर लोन नहीं भी देना चाहेगा ना तब भी उसको देना पड़ेगा। वाई? बिकॉज आरबीआई गाइडलाइन है कि जितना लोन ज्यादा दोगे उतना ही ज्यादा फिर आपको किसानों को या फिर पीएसएल यानी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में भी देना पड़ेगा, क्योंकि बैंक को 40% वाली गाइडलाइन फॉलो करनी है। 100 करोड़ का बिजनेस जिस बैंक का होगा वो 40 करोड़ का पीएसएल में देगा, और जिसका 200 करोड़ का होगा तो फिर उसे 80 करोड़ का लोन पीएसएल में देना पड़ेगा। समझ पाए बात को? ओके। आईएसएस यानी इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स। शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन की बात करेंगे, लोन की लिमिट रहेगी 3 लाख के, इंटरेस्ट रेट जो एप्लीकेबल होगा वो होगा 7% का। आप बोलेंगे सर मुझे अगर 3 लाख से ज्यादा चाहिए तो, देखो मैंने पहले बताया फिर स्कीम के बेनिफिट नहीं मिलेंगे, वरना लोन आप ले सकते हो। सर मुझे 3-5 लाख नहीं, मुझे तो 50-60 लाख चाहिए, तो फिर आपको लोन नहीं, फिर आपको प्रोजेक्ट फंडिंग दी जाएगी। नाबार्ड से कॉन्टेक्ट कीजिए, नाबार्ड आपको लोन देगा, लेकिन हर केस में नहीं मिलता। जिसका प्रोजेक्ट अच्छा होगा, आइडिया अच्छा होगा, उसको मिलेगा, लेकिन केसीसी के थ्रू नहीं मिलेगा। हालांकि केसीसी की बात करेंगे तो 5-10-20 लाख का लोन वहां भी मिल सकता है। केसीसी की मैक्सिमम लिमिट जो है 1 CR 1 करोड़ तक होती है, लेकिन जब अमाउंट 5-10-15 लाख से बड़ा हो जाता है ना तो फिर जनरली केसीसी के थ्रू नहीं, फिर प्रोजेक्ट फंडिंग की जाती है। तो 3 लाख तक के लोन पे आपको सबवेंशन मिला 2% का, 9% ना देके आपने 7% दिया। और अगर आप 3 लाख तक के लोन को 12 महीने के अंदर दे देंगे तो आपको एडिशनल सबवेंशन मतलब अतिरिक्त छूट मिलेगी 3% की। भाई ध्यान रखना, 2% की छूट तो मिली ही हुई है, 3% की एक्स्ट्रा मिल गई, तो 2+3 मिलके कितने हो गए, टोटल सबवेंशन मिल गया 5% का। शुरू में कितना देना पड़ता सबवेंशन से पहले, 9%। टोटल सबवेंशन कितना मिला, 5% का, मतलब देना कितना पड़ेगा, 4%। तो आपसे कहूं कि केसीसी पे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो आप क्या बोलेंगे, यस आप कहेंगे 4%, जो बिल्कुल ही गलत उत्तर है। क्यों, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कहा है मैंने, मैंने ये नहीं कहा कि उसने टाइम पे 3 लाख तक का लोन दे दिया है, देगा तो 4% होगा, नहीं देगा तो नहीं। तो कोई पूछे केसीसी पे इंटरेस्ट रेट कितना है, 7%। लेकिन अगर कहे कि उसने पैसा 3 लाख तक का 1 साल में ही दे दिया तो फिर 7% नहीं, फिर कितना लगेगा उसको, 4%। उम्मीद करता हूं बात समझ गए होंगे। बात करते हैं आगे डिस्ट्रेस सेल की। डिस्ट्रेस सेल का मतलब क्या होता है, किसान जब अपनी मर्जी से नहीं बेचता, मजबूरियों के अंदर बेचता है, मतलब वो बेचना तो नहीं चाहता लेकिन उसे बेचना पड़ता है, उसे डिस्ट्रेस सेल कहा जाता है। जैसे अगर आज हमारा फार्मर जो है वो प्याज को काट रहा हो या टमाटर काट रहा हो, मतलब हार्वेस्टिंग कर रहा हो, तो प्याज और टमाटर वाले केस में वो रखना चाहता है, उसको पता है कि आज नहीं तो 2 महीने बाद रेट बढ़ जाएंगे, लेकिन उसके पास क्या नहीं है, स्टोरेज नहीं है। लेकिन वो स्टोरेज में तो रख सकता है, लेकिन उसके लिए तो उसको लोन चाहिए, तो उसकी फैसिलिटी भी है। टू कंट्रोल डिस्ट्रेस सेल पोस्ट हार्वेस्ट लोन फॉर स्टोरेज इन accredited warehouses against negotiable warehouse receipt NWR दिया जाता है, है ना? Negotiable warehouse receipt दी जाती है। जब आप अपने product को warehouse के अंदर रखते हैं तो उस receipt के against are available for up to 6 months for KCC holding small and marginal farmer। सीधी बात कहिए यार कि आप एक किसान है, आपने अपना प्रोडक्ट जो है वो किधर रख दिया, वेयरहाउस के अंदर रख दिया, तो वेयरहाउस वाली जो पर्ची है ना उस पर्ची को दे दो, उस पर्ची के अगेंस्ट आपको लोन मिल जाएगा, क्योंकि आपका सामान वहां रखा हुआ है, उस सामान के अगेंस्ट आपको क्या मिलेगा, लोन। लेकिन ध्यान रखिए हर वेयरहाउस से नहीं, है ना, वो वेयरहाउस जो अपने आप में क्या है, एक्रेडिटेड वेयरहाउसेस है। आगे चलते हैं। इंटरेस्ट सबवेंशन अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, आपको पता होगा
NRLM बहुत फेमस स्कीम है, अभी अभी जो 2 महीने पहले एग्जाम हुआ उसके अंदर भी यहां से क्वेश्चन पूछा गया। सो NRLM की बात करेंगे, ये ध्यान रखना पड़ेगा NRLM को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर नहीं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट चलाता है, बाकी वही है 7% का आपको 3 लाख तक का लोन मिलेगा, जो पीछे पढ़ाया वही गाइडलाइन यहाँ पे है, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा वो क्या आगे क्वेश्चन के अंदर बताता हूँ, बिकॉज इंटरेस्ट सबवेंशन इतना ही है लेकिन एक केस में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि 3 लाख ना हो के वो कुछ और होगा, वो कितना होगा बताता हूँ। क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करता हूँ, पहले वो क्वेश्चन जो AF417 ने पूछा था, ए फार्मर हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन 3 लाख लोन आफ्टर इंटरेस्ट सबवेंशन, फार्मर हैव टू पे व्हाट परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट, 3 लाख तक का लोन उसे क्या करना है पे कर दिया है उसने, पे करना है तो इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज होगा ऐसा पूछा गया था, यहाँ पे इसने 3 लाख तक मेंशन कर दिया है और पे उसने कर दिया है तो भाई 12 महीने के अंदर किया होगा क्योंकि लेट पेमेंट तो कर नहीं रहा, तो उस केस में आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी 4%। लेकिन अगेन क्योंकि ये सिर्फ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जैक्ट लैंग्वेज तो पेपर में क्या आई थी नहीं पता, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है, अगर लैंग्वेज कहे कि उसने पे कर दिया 12 महीने के अंदर तो 4%, अगर नहीं बोल रहा तो 7%, सिंपल। उसके AF18 में क्वेश्चन फिर से अगले साल पूछा गया, अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम व्हाट परसेंटेज ऑफ फार्मर गेटिंग द शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन पेबल विद इन 1 ईयर अप टू 3 लाख, 1 साल में देना है और 3 लाख तक का लोन, तो लॉजिकल बात है फिर दोनों बातें मेंशन कर दी है तो आंसर कितना आएगा, आंसर विल बी 4%। लेकिन अगर कहते कि KCC में इंटरेस्ट रेट कितना है और ये वाली बात ना करे, 1 ईयर वाली और 3 लाख वाली दोनों बातें ना करे, तो फिर आंसर क्या आ जाएगा, 7%। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, What is the rate of interest? What is the rate for of in, rate for interest subvention under interest subvention scheme? के rate of interest subvention कितनी छूट दी जाएगी? Subvention कितना दिया जाएगा under interest subvention scheme? 5%, 2%, 3%, 7% या फिर 9%? जरा लिखिए right answer क्या आएगा? A, B, C, D या फिर E? अब थोड़े से हम लोग confused हैं। देखो पहले कहा ना केसीसी पे इंटरेस्ट रेट कितना, 7%, तो छूट कितने की मिली, बस बात खत्म यहाँ पे, आंसर विल बी 2%, कोई कंडीशन नहीं लगा रहा, टोटल कितना मिलेगा, एक्स्ट्रा कितना, कुछ नहीं कह रहा, कितना मिलेगा भाई 2% मिल रहा है, लेकिन 3 लाख तक 12 महीने में दे दिया तो फिर 3% एक्स्ट्रा मिल रहा है, फिर आंसर कितना आता, 5% आया था। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वॉट इज द मैक्सिमम अमाउंट कैन बी गिवन टू अ फार्मर अंडर इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम इफ द फार्मर, अगर वो फार्मर जो है इन्वॉल्व है एनिमल हस्बेंड्री डेयरी फिशरीज या फिर बी कीपिंग में, उसको कितने लाख तक का लोन दिया जा सकता है अंडर इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, मतलब जो अतिरिक्त फायदा आपको लेना है उसके लिए कितने लाख तक का लोन मिलेगा, ए 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख या फिर 50,000 ओनली। राइट आंसर की बात करेंगे, मैंने अभी भी कहा था एक थोड़ी सी बात आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप यहां पे कहेंगे 3 लाख, बहुत सारे बच्चे सही आंसर भी लिख रहे हैं, 2 लाख भी लिखा जा रहा है, इसका जो सही उत्तर है ना वो क्या है, यार क्वेश्चन का उत्तर लगाया नहीं हुआ, कोई बात नहीं, इसका जो सही उत्तर है ना वो क्या है, राइट आंसर इज 2 लाख, 2 लाख सही उत्तर क्यों है, अगर क्रॉप के लिए बोलेगा तो क्रॉप के लिए लिमिट 3 लाख की है, लेकिन उसके अलावा बी कीपिंग है, फिशरीज है, आपका एपिकल्चर बी कीपिंग में आ गया, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, इन सब के लिए जो है वो लिमिट 3 लाख ना होके वो कितनी है, 2 लाख। तो अगर यहाँ पे क्रॉप वर्ड भी लगा देता फिर तो एक क्यूमुलेटिव लिमिट आई थी 3 लाख की, लेकिन क्रॉप की बात नहीं कर रहा, वो पर्सन इन्वॉल्व है एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग फिशरी या फिर बी कीपिंग में, तो लिमिट कितनी है उसके लिए, 2 लाख सही उत्तर आ गया। लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स वाज स्टार्टेड इन व्हिच ईयर, ये जो स्कीम है किस साल स्टार्ट हुई थी सब लोग जानते हैं, यहाँ पे राइट आंसर जो आएगा इट विल बी बी। ओके सो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें आपने पढ़ा छोटे से टाइम के अंदर इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को, मैं स्कीम डेली एक एक दिन छोड़ के आपको करवा रहा हूं ताकि आपको पता ही ना चले कैसे 15-15 मिनट के अंदर आपने सारी स्कीम कवर कर ली, प्लस मैं इसे रात के 9 बजे इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि रात के 9 बजे हम लोग फोन चलाते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन अब टाइम वेस्ट नहीं हुआ, आपने कुछ नया सीख लिया। अगली स्कीम क्या होनी चाहिए कमेंट्स में जरूर बताइएगा, बिकॉज एक मैंने जिक्र किया PSL का जो सच में बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, पेपर में ना तो गारंटी है इंटरव्यू के अंदर पूछा जाएगा, और जो कि पेपर में भी यहां से पूछा जाता है जो 40% 18% और 10% वाली बात मैं कर रहा था, तो अगली इसकी मुझे बताइएगा क्या ये PSL प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होनी चाहिए या फिर कुछ और होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिएगा। मिलूंगा आपसे आपके नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद जय भारत।